हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। आप देख रहे हैं मेंडल ट्रेडर्स। सो गाइस, फटाफट से आज का हमारा लाइव ट्रेड हम लोग देख लेते हैं क्या था। सो ठीक है, ऑर्डर बुक हम लोग खोल लेते हैं। सबसे पहले मेरी आपको रीजन बताता हूँ क्या था मेरा ट्रेड लेने का और मेरा टारगेट मैंने क्या सोचा था और मैंने कब एग्जिट किया, कब एंट्री की। सो गाइज, जो मेरे ट्रेडिंग का रीज़न ये था कि ये सपोर्ट के पास ओपनिंग हुई है, थोड़ा सा नीचे आके देन उसके बाद मैंने 5 मिनट कैंडलस्टिक के ऊपर ये बनाया। मैंने सोचा हुआ था कि यहाँ कहीं पे सपोर्ट ले, बट ये यहीं पे ने सपोर्ट लेके और मेरी जो बाइंग हुई थी वो मेरी बाइंग आपको मैं बता देता हूँ कहाँ हुई थी। मैंने जो बाइंग करी थी वो मैंने यहाँ पे कर ली थी, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो था यहाँ पे था, बट मैंने थोड़ा सा नीचे इसको खींच के रखा इधर कहीं पे, ठीक है। और मेरा टारगेट जो था वो मैंने रखा हुआ था कि ये गैप फिल करेगा तो एक तरीके से मेरा टारगेट होगा। तो भाई ये देखिए, इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने टारगेट पूरा किया है, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन में दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया था। टेलीग्राम ग्रुप का तो चलो उसको छोड़ो, आप लोग ये देखिए तो मेरा क्या एंट्री थी। ऑर्डर में हम जाके देख लेते हैं, मेरी बाइंग हुई थी 167 पे। ये 165 है, ये 167 इसको कर देते हैं हम लोग 167 पे रहा ये था। एंड मेरा स्टॉप लॉस कितने पे था, 101 से 102, ठीक है। 101 ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। मैं 50 पॉइंट्स का रखना चाहता था, मतलब होता तो यहाँ भी, बट मैंने जो है 50 पॉइंट्स का यहाँ पे रख सकता था। 110 के आसपास होना चाहिए था, बट पता नहीं 102 कैसे हो गया, शायद उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। बट मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ का सोचा हुआ था 110 के आसपास। सो गाइज, मैंने जब एंट्री ली, एंट्री करते ही बहुत ही ज़्यादा इन्हें ड्रास्टिक मूवमेंट थी। देन उसके बाद मैं यहाँ कहीं पे निकल गया था 63 to 60, हाँ इस जगह पे मैं निकल गया था। और वो मैं निकला के वो मैं बताता हूँ, दो ड्रास्टिक कैंडल हमको देखने को मिली। एंड अगर हम स्पॉट के अंदर देखें तो इस जगह पे जो मुझे लगा था कि रिजेक्शन हमको देखने को मिलेगी, और रिजेक्शन के बाद मुझे ये था कि कहीं रिवर्सल आ जाए और यहाँ पे टच करके वापस ऊपर ना जाए, इस वजह से मैं एग्जिट कर गया था। मैंने कहा अपना प्रॉफिट बुक किया जाए। और उसके बाद हुआ क्या कि ये रिट्रेस होके देन बहुत ऊपर चला गया और 100 पॉइंट्स जो मेरा टारगेट था, मैंने सोचा हुआ था 100 पॉइंट तो इन्हें दिया, और उसके बाद भी इसने 128 के आसपास से मेरे को पॉइंट्स दिए। बट ठीक है, हाँ ओके, एक डिसेंट सम ने जो है पॉइंट्स कैप्चर करे हैं 167 पे, आके 232 पे हम निकल गए, मतलब 60 पॉइंट के आसपास हमने लिए। दोबारा एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कितने 232 माइनस में 167। सो गाइस, पॉइंट वाइज मत देखो, मैं राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ। 65 पॉइंट्स के आसपास मेरे पास आए हैं। और पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ, पोजीशन में मैंने इतना प्रॉफिट किया है। और ये वीडियो बनाने का मेरे दो पर्पस हैं, एक तो ये कि आप मुझसे कुछ सीख सको, ठीक है, दूसरा ये कि जो मेरे से जो गलतियाँ होती है वो, और मतलब एक तरीके से मेरा वीडियो ट्रेडिंग जर्नल है। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और गाइस, ये वीडियो टोटली लर्निंग पर्पस के लिए रहती है, ठीक है। कीप सपोर्टिंग और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं। मैं इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट डालता हूँ, प्रेडिक्शन की वीडियोस भी डालता हूँ डेली बेसिस पे। ओके गाइस।